नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सियाराम स्टॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो गाइस, जो मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ, आप कंपनी का नाम देख सकते हो, कंपनी का नाम है एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का नाम ये है। शेयर की बाकी जानकारी होने से पहले हमें सबसे मेन ये पता होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बता देता हूँ। कंपनी किसानों को ना उनके फार्मिंग के यूज के लिए जैविक उत्पाद और उनके जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए जैविक पशु चारा यानी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी। आपको इमेज दिखाता हूँ मैं, शायद आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आए, ठीक है। कंपनी ना इन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, देख सकते हैं आप, इन प्रोडक्ट्स का कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक। ये तो मैंने आपको बताया कंपनी काम क्या करती है। कंपनी के करंट प्राइस की बात करो तो आप देखोगे कंपनी का करंट प्राइस अभी 104 रुपये है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। देखो कंपनी एक दिन का देखें प्रॉफिट में लगभग 6% का प्रॉफिट, बीते 5 दिन में कंपनी ने 4% का प्रॉफिट, बीते 1 महीने में कंपनी ने 14% का, 6 महीने में जरूर 27% का लॉस है, 1 साल में आप देख सकते हैं कंपनी ने 47% का रिटर्न दिया। सबसे मेन दिखाऊँ ना मैक्सिमम, आप ये देख लो, कंपनी हमें 1034% का रिटर्न दे चुकी है। जो मैंने आपको बताया कंपनी पहले माइक्रो कैप थी, जब कंपनी लिस्टेड हुई थी तो कंपनी लिस्टेड हुई थी 9 रुपये 24 पैसे पे, यानी कंपनी माइक्रो कैप थी। कंपनी अब स्मॉल कैप बन चुकी है, ठीक है, माइक्रो कैप से कंपनी स्मॉल कैप कंपनी अब बन चुकी है, इसे लार्ज कैप मत बनने दो, उससे पहले इसमें एंट्री मार जाओ, ठीक है। अब मैं आपको इसके 1 साल का ग्राफ दिखाता हूँ। देखो अब इसमें पहले आप मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, ग्राफ क्यों कह रहा हूँ कि इसमें एंटर करने का सही समय है। ग्राफ 1 साल से ना आप अपने स्क्रीन पर देखो एक सपोर्ट लाइन के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। ग्राफ 1 साल में सपोर्ट लाइन के आसपास यहाँ से घूम रहा है, तो ये अब जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी ने मैक्सिमम भी प्रॉफिट किया, कंपनी कभी लॉस में गई नहीं है, तो बहुत देर से एक समय रहने के बाद ये डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है शेयर। इससे भी मेन वजह मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऊपर जाने वाला है, इसके फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे आप तो देख सकते हो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 201 करोड़ की है। कंपनी का स्टॉक पी कम है जो कि बहुत अच्छी बात है, केवल 9.35 है। कंपनी की ROC 67.8 है और कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी 64% है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, ठीक है, बहुत अमेजिंग नंबर है। कंपनी का करंट प्राइस 104 है, कंपनी का 1 साल का अधिकतम 176 और 1 साल का न्यूनतम 67.9 है, ठीक है। कंपनी का 176 जब है, जब 2021 वाला प्रॉफिट हुआ था, और इस साल में ना 2022 में उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 176 से ऊपर शेयर कितना जा सकता है, ठीक। प्रोज की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, कंपनी ने कर्ज घटा और कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, यानी कंपनी एक और अच्छे क्वार्टर देने की उम्मीद रखती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कंपनी के आप देख सकते हैं वही मैंने आपको बताया था, जो कंपनी की जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जो मैं आपको बताऊँ कंपनी के सेक्टर, कौन सी कंपनी के सेक्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेडिंग सेक्टर दिखा रहा है, ठीक है, तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री की ये कंपनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट की या सेल की, ईयरली में हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आप देख सकते हो मार्च 2021 में कंपनी की सेल हुई थी 78 करोड़ की और मार्च 2022 में कंपनी की सेल हुई है 160 करोड़ की, यानी जो कंपनी 50 से भी नीचे का कारोबार करती थी, ठीक है। आप देख सकते हो 2020 में कंपनी का कारोबार 50 से भी नीचे का है, उस कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर 82 करोड़ की सेल बढ़ाई है। आप बात को समझो, कंपनी ने 1 साल में 82 करोड़ की सेल बढ़ाई है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, मतलब मार्च 2016 से ही देखें तो कंपनी की सेल में लगातार इंक्रीमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक बार घटा एक बार कम हुई।
ठीक है, वही चीज़ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। कंपनी का 2021 में जो प्रॉफिट था वो 8 करोड़ था और इस साल कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़ है। ये तो और भी ज़्यादा है दुगने से। वही चीज़ मैं आपको इसमें कहूँ, कंपनी की लगातार आपको प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के रिज़र्व, ये कर्जा दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब आप देखो 2021 में कंपनी पे 9 ही करोड़ का कर्ज था और कंपनी पे 9 ही करोड़ रिज़र्व था। यानी आपने 9 रुपये किसी से कर्जा ले रखे हैं और आपके पास हैं भी 9 रुपये, तो आपके पास कुछ नहीं है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन 2022 में देखिए कंपनी का कर्जा हो चुका है 3 रुपये, यानी जो आपने पैसे लिए थे ना किसी से, अब उसमें से उसे केवल 3 रुपये देने और आपके पास अभी 20 रुपये हैं। आप बात को समझो, कंपनी पे 20 करोड़ का रिज़र्व हो चुका और 3 करोड़ उसे चुकाने हैं बस। तो आप समझ सकते हो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है 52.97%, यानी लगभग 53% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटली हर जगह से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ग्राफ के तौर पे भी मैंने आपको दिखाया, ग्राफ से भी कंपनी हर जगह से प्रॉफिट दे रही है। तो इसमें कुछ इतनी सोचने वाली बात नहीं, और जिस सेक्टर की कंपनी है ना जो काम कर रही है, जाहिर सी बात है लार्ज कैप कंपनी बनने वाली है 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो आपको ये तो भूल जाओगे इससे शेयर का प्राइस इससे नीचे आएगा और आप उस टाइम पर ख़रीदोगे, ये आप भूल जाओ। अगर आपको ये शेयर ख़रीदना तो आपको इसी प्राइस रेंज पर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसमें 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फॉर योर सेफ्टी, वरना शेयर इससे नीचे नहीं आने वाला, कम से कम 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं आने वाला। आप इस पर 90 रुपये का स्टॉप लॉस फिर भी लगा के चलो सेफ्टी के लिए, ठीक है। और जो अपना टारगेट रखना आपको, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आराम के साथ 400 से 450 का इसका टारगेट अपना बना के चल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया था, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो ना, फिर भी आप अपनी इसमें रिसर्च जरूर ऐड करें ताकि आप इसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन अपना बना सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते आपको मिल सके। धन्यवाद।